हेलो डॉक्टर। हेलो, बैठिए। हाँ, थैंक यू। कैसे हैं डॉक्टर आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, कैसे आना हुआ? आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। बेझिझक आप मुझे अपनी सारी बातें बताइए, प्रॉब्लम बताइए। आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, शुरू से आप ही के पास आता हूँ, पूरी फैमिली। हाँ, और आपको पता मेरी शादी भी हुई थी अभी हाल फिलहाल। हाँ, कोई प्रॉब्लम है शादी में? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। अच्छा। बहुत अच्छी वाइफ है, अच्छा परिवार है, मैं भी खुश हूँ, सब कुछ सब। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? चीज़ भीतर ही भीतर मुझे खाई जा रही है। वो क्या? वो डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। खुल के बताओ, मैं आपकी मदद कर पाऊँगी। डॉक्टर, हाँ, मेरी बीवी है, बहुत ही खूबसूरत है, कन्नू नाम है उसका। अच्छा। और हमने लव मैरिज की थी। ओके। लेकिन एक साल से ना थोड़ा सा परेशान हूँ। वो क्यों? एक साल नहीं, तकरीबन 3 महीने से ही, एक साल तो शादी को हुआ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? शुरू में तो हम बहुत प्यार करते थे और अच्छी तरीके से सब कुछ होता था। अभी 3 महीने से जब भी मैं अपनी बीवी के पास जाता हूँ तो खुल के बताइए, क्या बात है? तो मेरा लिंग खड़ा नहीं हो पाता। क्या? ऐसा कब से हो रहा है? 3 महीने से। लेकिन क्यों? इसका जवाब तो मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि आप दिमाग पे जोर मारिए, आप याद करके मुझे बताइए, जरूर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ होगा जिसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं डॉक्टर, नहीं, वो तो सोचिए आप, थोड़ा सा जोर डालिए डॉक्टर। एक हादसा मेरी जिंदगी में होता अभी हाल फिलहाल, 3-4 महीने पहले ही। हाँ, आप उसे हादसा कहेगी या मेरी गलती कहेगी या मेरी नासमझी कहेगी, लेकिन हुआ मेरी तरफ से ही था, पहल मेरी थी। बताइए मुझे। अचानक मेरी साली घर पर आ गई और मेरी वाइफ गई हुई थी। अच्छा। किसी के साथ शॉपिंग करने, और संडे था, मैं घर पे ही था। वो अचानक आई, तो आपको तो पता है मैं फैमिली से अलग रहता हूँ। वो आई और बहुत खूबसूरत लग रही थी, और खूबसूरत लड़कियाँ मेरी कमजोरी हमेशा रही है, कॉलेज टाइम से ही। तो उसे जब मैंने देखा तो बस वो बाथरूम में नहा रही थी और हमारे बीच एक रिश्ता बन गया। बाथरूम से सेक्स करते करते हम बेडरूम में आ गए और दरवाज़ा तक लगाना भूल गए। उसका पहली बार था और मैं ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता था। अब मैं सेक्स के 7वें आसमान पे था कि बस वो और मैं दोनों ही सेटिस्फाइड होने वाले थे। इतने में ना मेरी वाइफ आ गई और उसने हमें नंगा देख लिया। अब तब से लेकर अब तक डॉक्टर, जब भी वो मेरे सामने आती हो, पूरी नंगी भी हो जाए, सारे कपड़े उतार दे, कितनी खूबसूरत लगे, मेरे लिंग को सहलाए, चुम्बन करे, अपनी बाहों में भरे, कुछ भी करे, कुछ भी, लेकिन वो चाहती है कि मैं उसके साथ सेक्स करूं। उसने वो गलती मेरी माफ़ भी कर दी, मैंने उससे माफ़ी मांगी, सब कुछ ठीक है, प्यार भी करती है, और वो चाहती है कि मैं सेक्स करूं, लेकिन 3 महीने से मैं उसके साथ सेक्स नहीं कर पा रहा। वो हमेशा मुझे वो पल आ जाते हैं जो मैंने किया था, और आई एम वेरी डिस्टर्ब डॉक्टर। रिलैक्स। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप कभी आपत्तिजनक हालत में होते हैं और आपको कोई तीसरा पर्सन देख लेता है, तो वो डर, वो खौफ, वो लम्हे आपके दिमाग में फीड हो जाते हैं। आपका दिल कहीं ना कहीं मानने लगता है कि मेरे से कुछ गलत हुआ है, ठीक है? और जब भी आप अपनी वाइफ के पास जाएंगे, वो लम्हे आपको याद आएंगे। लेकिन आप चिंता ना करें, ऐसा कई बार होता है और आप समय के साथ साथ नॉर्मल भी हो जाएंगे। मैं आपको
डॉक्टर का पता लिख रही हूँ, एक जो मनोविशेषज्ञ हैं इस चीज़ के स्पेशलिस्ट, ठीक है? हाँ, मेरा लिंक दोबारा से खड़ा हो, बिल्कुल, आप उनसे मिलिए, पूरी जानकारी लीजिए, अपना इलाज कराइए, ठीक है? मैं आपको उनके पास भेज देती हूँ। मुझे तो, आप तो हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे कैसे? आप रिलैक्स हो जाइए, वो हमारे सीनियर हैं, आप एक डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। देखिए, आपको इलाज की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप जो प्यार आपकी वाइफ को चाहिए आप वो नहीं दे पाएंगे, तो घर में प्रॉब्लम होगी, लाइफ में प्रॉब्लम होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता, मैं कुछ भी करूँगा, आप मुझे पता दीजिए। दैट्स गुड, मैं आपको गलती दे रही हूँ तो कोई बात नहीं, हर चीज़ का सामना मुझे ही करना होगा। कभी कभी हो जाता है इस तरह। ये डॉक्टर साहब का एड्रेस है, आप इनसे जाके मिलिए और कहिए कि डॉक्टर सुनीता ने आपके पास भेजा है। ये मेरा लिंक खड़ा तो, हाँ हाँ, अब प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, आप रिलैक्स होके जाइए इनके पास में, आपकी हर चीज़ का इलाज इनके पास है। पहले किसी को भेजा है आपने जो ठीक? हाँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप मिलिए उनसे।